या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनी पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीमद्भगवद्गीता का प्रथम अध्याय धृतराष्ट्र के प्रश्न पर संजय दोनों पक्षों की सेनाओं का वर्णन कर रहा है और अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम् कौरवों का सैन्य संख्या में भले ही अधिक हो लेकिन जिस कार्य के लिए नियुक्ति की गई है उस कार्य के लिए अपर्याप्त है और पांडवों का सैन्य संख्या से भले ही परिमित हो मर्यादित हो लेकिन कार्य सिद्धि के लिए सक्षम है पर्याप्त है।
कल एक अति महत्वपूर्ण श्लोक पर हम रुके थे। दोनों पक्षों में शंखनाद हुआ, युद्ध का आरंभ हुआ। 19वां श्लोक, बदा चौपड़ियों बंद कर इन प्रसाद लेवा तैयार थे क्या था। तो 19वां श्लोक कल भी पूरा नहीं हुआ है, आज वही श्लोक से पुनः सत्र का आरंभ करें। बहना 19वां श्लोक। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवी चैव पांडव पक्ष ने जो शंख ध्वनि किया उससे जो घोष हुआ, सघोष धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत, उस घोष ने धार्तराष्ट्रों के, और धार्तराष्ट्रों का अर्थ केवल कौरव नहीं है लेकिन धृतराष्ट्र के पक्ष में खड़ी हुई पूरी सेना कि हृदय को चीर डाला, विदारण कर दिया। और नभश्च पृथ्वींचैव, वो ध्वनि इतना हुआ कि आकाश में फैल गया, पृथ्वी पर चारों ओर फैल गया। तुमुलो व्यनुनादयन, तुमुल ध्वनि हुआ। पहली बात, कौरव पक्ष में भीष्म पितामह ने शंखनाद किया और उसके साथ सहसैवाभ्यान्यन्तः सशब्दस्तुमुलो भवत, भेरी पणव आनक दुंदुभी ये सब एक साथ में बज उठे। इतने सारे रणवाद्य बज उठे, भयंकर ध्वनि हुई लेकिन उसका असर कोई नहीं हुआ पांडव पक्ष पर। जबकि पांडव पक्ष में केवल शंखनाद हुआ और कौरवों के हृदय को चीर दिया। देखिए, पांडव पक्ष में जो घोष हुआ है उसमें केवल शंखनाद है, दूसरे कोई वाद्य की बात ही संजय नहीं कर रहा है। ये क्यों हुआ ऐसा? कौरवों का इतना प्रयत्न कि पांडव डर जाए और पांडव सैन्य पर उसका कोई असर नहीं, जबकि पांडव सैन्य के केवल शंख ध्वनि से कौरव डर जाए, कौरवी सेना डर जाए। जी, कारण यह है, ईर्ष्या, स्वार्थ या केवल बड़प्पन पाने के लिए इकट्ठे हुए जो लोग होते हैं उनमें अपनी इंटेग्रिटी नहीं होती। कौरव पक्ष में यह बात थी, वे किसी सिद्धांत के लिए इकट्ठे नहीं हुए थे, ध्येय निष्ठा नहीं थी उनमें, इसलिए एकता नहीं थी। और एक दूसरी बात, दुर्योधन के पक्ष में आकर खड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को पता था कि वो गलत व्यक्ति को साथ दे रहा है। सीधी दिखती हुई बात है, राज्य पर अधिकार पांडवों का है, दुर्योधन पिछले 15 वर्षों से उसको पकड़ के बैठा है और जब देने की बात आती है तो वो कुछ छोड़ने को तैयार नहीं है, 5 गांव भी छोड़ने को तैयार नहीं। इतनी जो अन्याय भरी बात है, उस अन्याय के पक्ष में हम खड़े, कारण कोई भी हो, लालच हो, प्रलोभन हो, स्वार्थ हो, गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति बाहर तो बहुत दिखाता है कि मैं सही हूं मैं सही हूं, लेकिन आईने के सामने खड़ा रहे तो उसको पता चलता है ना कि मैं गलत हूं।
उसका कॉन्शियंस तो उसको बाइट करेगा ही हमेशा, और कॉन्शियंस जब बाइट करता है तो वह व्यक्ति भीतर से डरा हुआ होता है। हृदयानि व्यदारयत, ये गिल्ट कॉन्शियस उनको बाइट कर रहा था। तीसरी बात इस श्लोक का जो रहस्य है वो ये वर्णन कौन कर रहा है? संजय। ये वर्णन किसके सामने हो रहा है? धृतराष्ट्र के सामने। धृतराष्ट्र के सामने जब वर्णन हो रहा हो और संजय कह रहा है सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत, वह घोष धृतराष्ट्र के पक्ष के लोगों का हृदय को चीरने वाला हुआ, ये थोड़ी असभ्यता नहीं दिखाई पड़ती? बोल सकता था वो सघोषो तावकी नानाम हृदयानि व्यदारयत, संस्कृत में छंद दोष भी नहीं होता था कि वह जो घोष पांडव सैन्य ने शंखनाद किया उससे जो घोष उत्पन्न हुआ, हे राजा वो तुम्हारे पक्ष के लोगों के हृदय को चीर डाला, क्योंकि सामने बैठा है वो नहीं कहता है धृतराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत, पास में बैठे व्यक्ति से ये कहना। यदि मैं छगनलाल के पास बैठा हूं तो मैं छगनलाल से वही कहूंगा ना, भाई आपकी दुकान जरा दाम ज्यादा लेते हो तुम, लेकिन छगनलाल की दुकान में दाम ज्यादा लिया जाता है, छगनलाल पास में बैठा है तो योग्य नहीं है। क्यों कहा? यहां पर धार्तराष्ट्राणाम का अर्थ है कि अन्यायन धृतम राष्ट्रम यही ही ते धृतराष्ट्र, जिसने जैसे धृतराष्ट्र शब्द की हमने एक वचन में व्याख्या की थी, यहां बहुवचन में व्याख्या हुई, व्याकरण सम्मत व्याख्या। अन्यायन धृतम राष्ट्रम यही ही, जिन्होंने अन्याय से राष्ट्र को पकड़ रखा है वे धृतराष्ट्र हैं। और धृतराष्ट्र एव बहुव्रीही समास जो धृतराष्ट्र का हुआ, वे ही लोग हैं यह विग्रह में स्वार्थ में तद्धित नो का तद्धित का अण प्रत्यय लगता है तो धार्तराष्ट्र रूप बनता है, और उसका बहुवचन धार उनकी षष्ठी विभक्ति धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत, हृदय को चीर डाला। निघंटु में हृदय शब्द के दो अर्थ किए हैं, ऐसा नहीं कई अर्थ हैं लेकिन दो मुख्य अर्थ हैं। हृदय का एक अर्थ होता है चित्त मन, संदर्भ से पता चल जाता है वाक्य के, और हृदय का दूसरा अर्थ होता है छाती वक्षस्थल। हृदयों को चीर डाला अर्थ कौरवों के चित्त को, कौरवों के मन को चीर डाला। और मन को चीर डाला का अर्थ क्या है? मेडिकल साइंस ने पढ़ा होगा आपने, यहां कोई ऐसा बैठा होगा तो कहेगा मन तो कोई है ही नहीं, देयर इज नॉट एन ऑर्गन कॉल्ड माइंड, तो उसको चीर कैसे सकते हो आप? पूरे शरीर में से बाकी के सब ऑर्गन मिलते हैं, मन कहां मिलता है? मन को चीर डाला, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है मन में चित्त में जो आवेग आते हैं, जो संवेदना आती है, ज्ञान इच्छा धैर्य उत्साह, इन सभी का नाश कर दिया। एक एक को समझें, ये कब होता? भय एक ऐसी इमोशन है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं फियर इज सच एन इमोशन, कि उसमें आपकी इच्छा नष्ट हो जाएगी, उसमें आपका धैर्य टूट जाएगा, इसमें आपका ज्ञान काम में नहीं आएगा, उसमें आपका उत्साह भी चला जाएगा। सबसे पहले ज्ञान, बहुत ज्ञानी है कोई भी क्षेत्र का हो व्यक्ति, लेकिन जब भय की परिस्थिति निर्माण हो जाती है तो उसका ज्ञान चला जाता है, उस वक्त वो सारी सुध बुध खो बैठता है। गुजराती में आपने बहुत सरस कहे छे, गरज गांठे ने विद्या पाठे,
जे मात्र गोखेलू होए के मात्र पुस्तक में होगा वो सही वक्त पे काम नहीं, कई लोग नहीं होते। महीने भर से मेहनत की है, रात के दो दो बजे तक जागरण किया, रट डाला है सब, लेकिन क्वेश्चन पेपर में पहले दो तीन प्रश्न थोड़े से डिफिकल्ट आ जाए या तो थोड़े से घुमा फिरा कर पूछे गए हो और एक डर लग गया, फिर वो जितना रटा है वो सब भूल जाता है, ज्ञान सब चला गया उसे। क्यों? भय आया उसके मन में, तो भय का ही ज्ञान चला जाता है। जी अगर डायाना डापणो काम नहीं लगता, भय की जो इमोशन है, फियर इमोशन, वह इच्छा को नष्ट कर देती। पत्नी ने स्वादिष्ट भोजन बनाया है, इतवार की दोपहर को बड़े चाव से वो भोजन कर रहे हैं, वाह पकोड़े क्या बने हैं, वाह शू खमण बनाया जन, शू ढोकला बनाया जन, आदनी कड़ी तो आदनी ज कड़ी, एक एक चम्मच पे एक एक निवाले पे प्रशंसा हो रही है। आधा भोजन हुआ, फोन आया, फैक्ट्री में आग लगी। अब जब उठता है दौड़ता है, पत्नी कहेगी इतना स्वादिष्ट भोजन बना था, थाली तो पूरी कर नहीं, अब क्यों? भय है वहां पर, कितना नुकसान हुआ होगा, इतनी मेहनत से बनी हुई मेरी फैक्ट्री में आग लगी है, क्या हुआ होगा वहां पर। तो अब ये स्वादिष्ट भोजन की इच्छा चली गई, भय इच्छा को नष्ट करता है, भय ज्ञान को नष्ट करता है, भय धैर्य को नष्ट करता है, पेशेंस नहीं रहती। आदमी जब डर में होता है तो बेबाकड़ो थे जाए, शांति रखो, क्या धैर्य टूट जाता है। और सबसे बड़ा जो काम भय करता है, व्यक्ति के उत्साह को तोड़ देता है। उत्साह की व्याख्या भी शास्त्रकारों ने की है, कोई भी कार्य करने चलोगे उसमें विघ्न तो आएगा ही, ऑब्स्टिकल्स आएंगे ही। वह जो विघ्न आता है कार्य की सफलता में, अवरोध आता है, उस अवरोध को लांग कर जाने का एक जो जुस्सो, आप गुजराती में सरस शब्द है, उसको कहते हैं उत्साह। कैसा भी अवरोध आए, कैसा भी विघ्न आए, मैं अपने लक्ष्य की ओर चलूंगा, इसे कहते हैं उत्साह। भय उत्साह को ही तोड़ देता है। ये हृदयानि व्यदारयत, और दूसरा छाती, देखिए आपने हाय छाती फाटी गई, सचमुच फट गई नहीं, चीर गई। और ये सब काम कैसे हुआ? कौरव धृतराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत कैसे हुआ? भगवान श्री कृष्ण के शंखनाद से हुआ। और इसीलिए भगवद गीता के 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन योग में 31, 32, 33 ये तीन श्लोकों में श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो। 11वें अध्याय का 32वां श्लोक श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर तुमिह प्रवृत्तः। आएगा ये श्लोक 2025 कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः।
ऋते पित्वान्न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा। मेरे अत्यंत प्रिय श्लोकों में से एक है, भगवद गीता के अत्यंत प्रिय श्लोकों में से, तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जीत्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। कितना प्रेम होगा, निमित्त मात्रम भव। हे सव्यसाचिन, हे अर्जुन, मयैवैते कालोस्मि, समय हूं मैं, और लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, यही मेरा काम है लोगों का क्षय करना। लोकान समाहर तुम यह प्रवृत्त, यही मेरी प्रवृत्ति है। विशेष चर्चा अभी श्लोकों पर नहीं करता, उस समय करेंगे 2025 में। हूं तो करीश तुम्हारा हुए ताव जो ऋते पित्वान्न भविष्यन्ति। हाँ, समय की व्याख्या है, काल पिबति तद रसम। समय वही है जो नष्ट कर देता। अर्जुन, ऋते पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, तू नहीं भी होगा तो भी ये लोग नहीं रहेंगे। अर्जुन, यदि तू कहता है, भागने वाला है ना अर्जुन, तू यदि चला जाएगा तो क्या ये लोग बच जाएंगे? तू यदि कह, तू ये कहता है कि मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता, तू नहीं भी होगा तो भी ये नहीं रहने वाले हैं। ऋते पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रत्यनिकेषु योधा। जो यहां पर प्रत्यनिकेषु, कोई दोनों सेनाओं में जो रहे हैं वो योद्धा नहीं रहने वाले हैं। तस्मात् देयरफॉर त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व, उठो अर्जुन, लड़ो और यश प्राप्त करो। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। शत्रुओं को जीतो, समृद्ध राज्य की भोग करो तुम। लेकिन ये जो दो शब्द हैं, दो वाक्य हैं, मयैवैते निहता पूर्वमेव, मया एव एते पूर्वमेव निहता, मेरे मैंने कब का इनको मार डाला है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्जुन, तुम्हें तो केवल निमित्त बनना है। यदि पूछा जाए, प्रभु आपने कब मारा इन लोगों को, 11वें अध्याय में अर्जुन ये पूछे, प्रभु आपने कब मारा, श्री कृष्ण तुरंत कहेंगे, जिस क्षण मैंने शंखनाद किया उसी क्षण इनको मार डाला था। हृदयानि व्यदारयत्, छाती चीर गई थी इनकी। और ये तो होता है, अकस्मात जब हो, युद्ध में जब हो, तो इतिहास में ऐसी घटनाएं आपने देखी हैं, मस्तक कट जाए फिर भी धड़ थोड़ी देर तक छटपटाहट करते रहता है। पृथ्वीराज चौहान का धड़ तो ऐसा कहा जाता है कि मस्तक कट गया, उसके बाद भी धड़ लड़ता रहा, और उसने भी कुछ विधर्मियों को पूरा किया। साइंटिफिकली मस्तक कटने के बाद भी शरीर में थोड़ा प्राण रहता है तो शरीर थोड़ा छटपटाता है। तो अर्जुन, अभी इस वक्त तुझे जो दिखाई पड़ती है ना सेना, वो तो मस्तक कटने के बाद की उनकी छटपटाहट है, वो ऐसे भी अपने आप में शांत हो जाने वाले हैं। मयैवैते निहता पूर्वमेव, बस ये यश तू लेना चाहता है कि नहीं, निमित्त बनना चाहता है कि नहीं तू। अर्जुन और भगवान के बीच में ये संवाद हो, ये सुनकर कोई डेढ़ अकल वाला
आपड़ो बोलो कौडो के कौडी भगवान से चर्चा करे, प्रभु आप कहते हो कि आपने इन सभी का ध्वंस कर दिया, विनाश कर दिया, मार डाला, तो आपने आपकी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी? आपने तो प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, पर आपने इतने सारे लोगों को, दोनों सैन्यों के योद्धाओं को मार डाला, तो ये तो आपकी प्रतिज्ञा का भंग हुआ। भगवान श्री कृष्ण मधुर स्मित करते हुए इस कौड़े को उत्तर देंगे। कौड़े को और कौड़ी को कहेंगे, मुझे बताओ, किसी भी शास्त्र में से निकाल कर मुझे बताओ कि शंखनाद करना शस्त्र धारण है क्या? शंखनाद तो कोई शस्त्र धारण है नहीं, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, और मैंने केवल शंखनाद करके इनके हृदयों को मार डाला था। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन हृदयानि व्यदारयत। अब थोड़ा सा वेदांत इस श्लोक में। श्री कृष्ण का शंखनाद क्या है? ये ज्ञान का ध्वनि है। भगवान श्री कृष्ण की जो बांसुरी है ना, वो भक्ति का नाद है, प्रेम का नाद है, और भगवान श्री कृष्ण का शंख ध्वनि है वो ज्ञान का नाद है, वेदांत केसरी। उपनिषद, भगवद गीता, ऐसे शास्त्रों का जब वेद की श्रुति, इनके पर प्रवचन सुने हों, तत्वमसी प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म, इन वेद वाक्यों का परिशीलन जिसने किया हो सत्संग के द्वारा, ऐसे लोगों के अज्ञान का नाश होता है। शंख ध्वनि ज्ञान वेदांत का, उससे अज्ञान का नाश हुआ। लेकिन जब तक प्रारब्ध बाकी है तब तक शरीर तो काम करता रहेगा। ऐसे लोग इस संसार में कुछ कर्म करते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वे लोग कर्म के बंधन निर्माण नहीं करते हैं। ये कैसे हैं? मस्तक निकल गया है और धड़ थोड़ी देर के लिए नाच रहा है, ऐसे ही लोग। भगवान श्री कृष्ण के वेदांत ध्वनि से जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, उनके जन्म जन्मांतर की आवागमन पूर्ण हो चुका है, और थोड़े साल थोड़े वर्ष जो यहां पर बचे हैं प्रारब्धवश, वो केवल सदेह मुक्ति के हैं। है मुक्त ही वो, जो कर्म करता है बंधन निर्माण नहीं होता। नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन, यघोष आकाश तक गया, पृथ्वी पर फैल चुका। शंख तो प्रभु ने एक बार बजाया होगा, लेकिन उसका जो प्रतिध्वनि है, एको है, वो सब जगह फैलता गया। इसलिए शब्द भी देखो संस्कृत में लिखा है व्यनुनादयन। एक होता है नाद जो एक बार होता है, उसके बाद अनुनाद, अनुनाद इज एको। संस्कृत में अनु शब्द, मैंने कई बार प्रवचनों में कहा है, अनु का अर्थ दैट विच फॉलोज, अनुकरण। किसी ने कुछ किया उसको आप फॉलो करते हो तो अनुकरण है। अनुक्रम, एक क्रम लिखा फिर उसके बाद दो, वो अनुक्रम हुआ, तीन अनुक्रम हुआ। अनु का अर्थ है फॉलो, रिपीट। तो ऐसे नाद एक हुआ, उसका अनुनाद एको पड़घा प्रतिध्वनि। और केवल अनुनाद पे नहीं रुके, व्यनुनादयन विशेष रूपेण अनुनाद। और वो विशेषता क्या है? वो विशेषता ये है, धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। ये उस ध्वनि की विशेषता है। ये जब परिणाम आया, देखा होगा चित्रवत सैन्य खड़े हो गए हैं दोनों, उस समय 20वां श्लोक बहना
व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा अथ हम सब जानते हैं सुज्ञ श्रोता हैं आप सब अथ का अर्थ होता है आरंभ सूचक और इति का अर्थ होता है अंत सूचक अथ थी इति शुरुआत से अंत तक प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक में ये अथ शब्द सूचित करता है संजय कहता है कि पुष्पिका में जो हम बोलते हैं श्री कृष्णार्जुन संवादे भगवद गीता के लिए जो कहते हैं एक नाम है कृष्णार्जुन संवाद ये कृष्णार्जुन संवाद यहां से शुरू होता है 21वें श्लोक में आएगा लेकिन उसकी जो भूमिका ये 20वें श्लोक से तो कृष्णार्जुन संवाद रूपी जो भगवद गीता है उसका आरंभ 20वें श्लोक से होता है इसलिए संजय ने कहा अथ और ये कृष्णार्जुन संवाद रूपी भगवद गीता का अंत कहां हुआ वो 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में होता है जहां पर संजय कहता है इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतम् रोमहर्षणम् इति 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में संजय उवाच है वहां पर इत्यहम् वासुदेवस्य इति तो यहां पर अथ वहां इति कृष्णार्जुन संवाद रूपी गीता इतने में समाई है अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा सब कौरवों को व्यवस्थित रूप में दोनों सेनाओं को देखकर धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज धार्तराष्ट्रान् व्यवस्थितान् दृष्ट्वा कौरवों को ठीक रूप में देखकर हम चर्चा कर चुके हैं पहले अध्याय में 3 बार दृष्ट्वा आया है पहला दृष्ट्वा ये दूसरा आया अभी पहला दृष्ट्वा था दूसरे श्लोक में दृष्ट्वा तो पांडवानीकम दुर्योधन के लिए था 20वें श्लोक में दृष्ट्वा अर्जुन के लिए दूसरे श्लोक में दृष्ट्वा दुर्योधन पांडवों की सेना को देखता है तब है 20वें श्लोक में दृष्ट्वा अर्जुन कौरवों की सेना को देखता है तब धार्तराष्ट्रान् व्यवस्थितान् दृष्ट्वा और यहां पर अर्जुन के लिए शब्द आया कपिध्वजः जिसके रथ पर ध्वजा में श्री हनुमान जी विराजे हैं बड़ा मधुर पात्र है हनुमान जी चिरंजीवी हैं त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी को सहाय की थी प्रभु की सेवा की थी रामायण का युद्ध जीतने में श्री हनुमान जी का योगदान बहुत बड़ा था प्रभु ने तो अपना देह बदला अवतार बदला लेकिन श्री हनुमान जी साक्षात रहे और यहां पर महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का कार्य संपन्न करने के लिए अर्जुन की रक्षा के लिए श्री हनुमान जी ध्वजा पे विराजमान हैं कहानी बड़ी प्यारी महापुरुष लिखते हैं कि पांडव जब वन में थे
महाभारत में कथा है ये। पांडव जब वन में रहते थे उस समय एक दिन अकस्मात एक सहस्रदल कमल द्रौपदी के पास आ गया। ये पुष्प द्रौपदी को इतना पसंद आया, भीमसेन से कहा, मैंने कहा ना द्रौपदी को पक्षपात है भीम से, कोई भी असंभव जैसा काम दिखे वो कहना, वो द्रौपदी पहले भीम को ही कहती, उसे पता है भीम ये करके कर दिखाएंगे। तो सहस्रदल कमल एक मिल गया, द्रौपदी को थोड़ी अपेक्षा बढ़ गई कि ऐसे हजार मेरे पास होने चाहिए, बहुत सारे पुष्प मुझे चाहिए द्रौपदी की इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए। भीमसेन वहां से चल पड़े, कदली वन में पहुंचे जहां पर श्री हनुमान जी से उनकी भेंट हुई। श्री हनुमान जी भीमसेन के बड़े भाई हैं, दोनों वायु पुत्र हैं, तो बड़े भाई हैं। बहुत सुंदर चर्चा हुई दोनों के बीच। अंत में हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया। भीमसेन कहते नहीं कुछ नहीं चाहिए, मांगो, लघु भ्राता हो तुम मेरे, मांगो। अत्यंत विनय पूर्वक भीमसेन ने कहा, बस हनुमान जी आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, इससे अधिक मैं कुछ मांगना नहीं चाहता। और सच पूछो तो यही बहुत मांग लिया, आपकी कृपा बनी रहे। वस्तु यदि दोगे तो एक बार देकर के बात पूरी हो जाएगी, लेकिन निरंतर आपकी कृपा मुझ पर बनी। ये कैसे मांगना ये भी महापुरुष सिखाते। हम तो भगवान के पास जाकर भी क्या मांगते हैं, जरा सोचिए तो सही। आज रात को 12 बजे जब आप साउंड स्लीप में हो, गाढ़ निद्रा में हो, और उस समय भगवान श्री कृष्ण आपके पास आ जाए, आपके कंधे पर ऐसे हाथ करके उठाए कि 4 दिन तूने भगवद गीता के पहले अध्याय पर प्रवचन सुने, मैं प्रसन्न हो गया हूं, मांग मांग जो चाहिए वो दे दूं। क्या मांगोगे? अभी भीमसेन की कॉपी मत करना, कितनी बातें मन में आ जाएगी। बस प्रभु 2 कमरे ज्यादा हो ऐसा एक फ्लैट दे दो। भगवान कहेंगे बहुत सस्ते में निपटाया तूने मामला। प्रभु आपकी कृपा निरंतर बनी रहे, बस। तो कितना इटर्नल रिलेशन है ही, लेकिन और रीइन्फोर्स हो गया। भीमसेन ने यही मांगा। श्री हनुमान जी कहते हैं, भीम जिस समय तुम बाण और शक्ति से आघात से व्याकुल ऐसी शत्रुओं की सेना में प्रवेश करोगे और तुम जब सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से तुम्हारे उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। तुम भयंकर तो हो ही, तुमसे लोग डरते हैं, लेकिन वे और डरेंगे। और दूसरी बात श्री हनुमान जी ने सामने से कही बिना मांगे, और यही तो कृपा होती है। मांगने के बाद जो मिले वो तो ठीक है, बिना मांगे जो दिया। श्री हनुमान जी ने सामने से कहा, मैं अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर ऐसी भयंकर गर्जनाएं किया करूंगा जो शत्रुओं के प्राण को हर लेगी। श्री हनुमान जी ने सामने से कहा वरदान, और डरे हुए जब शत्रु हैं सुगमता से आप उन सबको मार सकोगे। जिसकी रथ की ध्वजा पर अखंड ब्रह्मचारी ज्ञान गुण सागर बल बुद्धि और विवेक के भंडार ऐसे श्री हनुमान जी विराजमान हो तो उसके पराजय कैसे हो सकती। महाभारत का श्लोक है,
तदाहं ब्रह्मयिष्यामि स्वरवेण रवन्तव विजयस्य ध्वजस्थश्च नादान मुक्ष्यामि दारुणान। वहां पर तो श्री हनुमान जी अर्जुन के लिए शब्द प्रयोग ही करते हैं, विजयस्य, अर्जुन का एक नाम है विजय, क्योंकि अर्जुन कभी हारा नहीं अभी तक, महाभारत के युद्ध तक अर्जुन जीवन में केवल एक ही बार हारा। भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्याग किया और वहां से जब अर्जुन लौट रहा था द्वारिका से, तब मार्ग में कुछ भील लोगों ने, आदिवासी लोगों ने अर्जुन को हरा दिया, लूट लिया है। काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण, वही गांडीव धनुष अर्जुन के हाथ में था, वही बाण थे, सब कुछ वही था, लेकिन अब कृष्ण नहीं थे। कुछ पील लोगों ने, आदिवासी लोगों ने उसको रहे, लेकिन यह महाभारत का युद्ध जब अर्जुन कभी हारा नहीं। विजयस्य ध्वजस्थस्य नादान मोक्ष्यामि दारुणान शत्रुणां ये प्राणहराः सुखं ये न हनिष्यथ। महाभारत के वन पर्व में यह श्लोक है। पांडवों का जब वनवास चल रहा था तब तो कपिध्वज भगवान हनुमान जी चारों युग में विराजमान है। हनुमान चालीसा में है ना, चारों युग परताप तुम्हारा है परसिद्ध जगत उजियारा। सतयुग में शिव स्वरूप, त्रेतायुग में श्री हनुमान जी के दास भक्त के रूप में श्री हनुमान जी, द्वापर युग में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर श्री हनुमान जी, और कलयुग में जहां जहां भगवत कथा चल रही हो, जहां जहां सत्संग हो रहा हो, वहां पर श्रोता के रूप में श्री हनुमान जी विराजमान होते हैं। तो आज कलयुग में भी हमारे बीच में श्री हनुमान जी विराजमान हैं, सुन रहे हैं ये कपिध्वज। अर्जुन की पराजय संभव ही नहीं। एक और बात छोटी सी मुझे याद आती है, एक बता दूं, पता नहीं कर्णावती के श्रोता है ना, एक अलग संबंध है ऐसा, और ये मैं सब जगह पे नहीं कहता हूं। डायरा ना कलाकार हो मत तमें जो हमेशा शुरुआत में के ओहो होना नहीं हाकड़े बांधी लावीए तो न मळे एवा बदा अमदावाद ना मारा श्रोताओ, एटले श्रोताओ राजी थई जाय, तालियों पाड़े पछी के आवुं अमे बधे कहीए। लेकिन ये तो व्यासपीठ है, मैं हर जगह पे ये नहीं कहता हूं। कर्णावती के श्रोता कुछ अलग संबंध रखते हैं। महाभारत का युद्ध जब पूरा हुआ उस वक्त 18वां दिन पांडवों का विजय हो गया। प्रतिदिन का क्रम ऐसा था, युद्ध जब विराम हो जाए सूर्यास्त के समय, या तो भीष्म जब तक 10,000 योद्धाओं को मार न ले, यह भी भीष्म ने कहा था कि जब तक मैं 10,000 योद्धाओं को मारूंगा नहीं, युद्ध का विराम नहीं करवाऊंगा, और युद्ध विराम की घोषणा भी रूलिंग पार्टी का सेनापति करता है, ये वॉर डिसिप्लिन है। तो भीष्म ही अनाउंस करेंगे कि आज का युद्ध विराम हुआ। भीष्म ने कहा था, दुर्योधन से वचन दिया था, जब तक 10,000 योद्धाओं को मारूंगा नहीं तब तक युद्ध विराम नहीं करूंगा। पर औसत एवरेज सूर्यास्त के समय युद्ध विराम हो जाता था। युद्ध विराम जब हो जाए, भगवान श्री कृष्ण रथ को खड़ा करें और स्वयं प्रभु रथ में से नीचे उतरे, पीछे जाकर, सारथी है ना तो ड्यूटी कर्तव्य बिल्कुल सही तरह से निभाया है, रथ का दरवाजा खोले जैसे ड्राइवर करता और अर्जुन से कहें आओ। अर्जुन रथ में से नीचे उतरे, अर्जुन चला जाए दरवाजा बंद करके, रथ के घोड़ों को छोड़कर जो करना है वो ऐसे करते थे, उनके घोड़ों को जो घाव लगे हों वो साफ करते हुए। ये
प्रतिदिन का क्रम था, 17 दिन तक यह क्रम चला। 18वें दिन जब पांडवों की विजय हो गई, युद्ध पूरा हुआ, प्रभु ने रथ को खड़ा किया। सबसे पहले अर्जुन से कहा, अर्जुन नीचे उतरो। अर्जुन को आश्चर्य हुआ है, प्रभु बैठे हैं रथ पर सारथी के रूप में। अर्जुन तो प्रतीक्षा कर रहा था कि आज तो विजय हुई है तो आज तो अधिकार बनता है मेरा, प्रभु द्वार खोले और मैं उतरूं नीचे। प्रभु रथ पर बैठे रहे, पीछे मुड़कर कहा है, अर्जुन नीचे उतरो। आश्चर्य तो लगा अर्जुन को थोड़ा, लेकिन करिष्ये वचनंतव, समर्पण है, आपने जो कहा है वही मुझे करना है। अर्जुन रथ में से नीचे उतरे। भगवान श्री कृष्ण ने लगाम को ऐसे आगे रख दी, स्वयं प्रभु खड़े हुए, रथ के ऊपर से ध्वजा निकाली, अर्जुन के हाथ में थमाई, श्री हनुमान जी को विदाई दी, फिर लगाम को छोड़ा, अश्वों को मुक्त किया और स्वयं प्रभु जब रथ में से उतरे नीचे, अर्जुन ने देखा उसी क्षण रथ बढ़ 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 जलने लगा, दो दो जलने लगा। अर्जुन की आंखें चौकन्नी रह गई, प्रभु अर्जुन इसीलिए आज तुझे पहले उतारा नीचे, जिस क्षण मैं उतरता हूं यह रथ, महाभारत का युद्ध जीवन संग्राम है और जीवन संग्राम में इंद्रियां रूपी घोड़े जहां जुड़े हुए हैं, यह शरीर रूपी रथ जब तक प्रभु श्री कृष्ण आत्मा परम तत्व जब तक भीतर विराजमान है तभी तक ये शरीर रूपी रथ चलता है और जीवन संग्राम में हमारी विजय होती है। जिस क्षण श्री कृष्ण इस देह रूपी रथ में से निकले, आत्मा ने इस शरीर को छोड़ा, फिर ये शरीर को केवल अग्नि संस्कार ही बाकी बचते हैं, केवल जलना ही होता है उसको। और ये जो 5 रथ घोड़े जो छोड़े हैं वो कौन से? कर्मेंद्रिय तो शरीर के साथ ही जाएंगी, हाथ पैर आंख कान वो तो शरीर के साथ जाएंगे कर्मेंद्रिय, लेकिन ज्ञानेंद्रिय जो है, सेंस ऑफ कॉग्निजंस, ऑर्गन्स ऑफ कॉग्निजंस, वो मुक्त होते हैं। कपिध्वज, तो भगवान ने श्री हनुमान जी को पहले प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। शस्त्र का संपात होना, संपात शब्द का एक्चुअल अर्थ है गिरना, पतन पर से पत गिरना, संपात अच्छी तरह से गिरना, इसका अर्थ जब शस्त्र चलाए जाने लगे, शुरू होने था, उस समय धनुरुद्यम्य पांडव, अर्जुन ने धनुष को उठाया। यह बात सिद्ध करती है कि अर्जुन युद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार था, क्योंकि धनुष उठाया क्यों? यूं तो धनुष की प्रत्यंचा छोड़कर रखते हैं जब युद्ध न हो, प्रत्यंचा जो रस्सी बांधते हैं धनुष को छोड़कर रखते हैं, और जब युद्ध करना हो तो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, और चढ़ाने के लिए धनुष को उठाना पड़ता है। अर्जुन ने धनुष उठाया वो प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, तैयार है वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से। धनुरुद्यम्य पांडव, एक अभिप्राय महापुरुषों का ऐसा भी है कि 12वें श्लोक में भगवान पितामह भीष्म ने जो शंखनाद किया है, पुस्तक आपके हाथ में, देखिए 12वां श्लोक। भीष्म ने शंखनाद क्यों किया?
अर्थ हमने ये लिया कि वे रूलिंग पार्टी का सेनापति है, उसने शंखनाद किया, इससे युद्ध की फॉर्मल इनॉग्यूरेशन हो गया, विधि पूर्वक शुरुआत हुई। यह सर्वमान्य मत है, अधिकतर भाष्यकारों ने, संतों महापुरुषों ने यह मत रखा है, लेकिन कुछ विलक्षण मत ऐसा है कि श्लोक पढ़ो आप, वहां भीष्म कहां कहते हैं कि मैं इस युद्ध शुरू करना चाहता हूं। 12वें श्लोक की शुरुआत क्या है? तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दधमौ प्रतापवान। बोलो यहां युद्ध शुरू करने की बात कहां आई? दुर्योधन जो घबराया हुआ था, द्रोणाचार्य के उकसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन द्रोणाचार्य उसकी बात को सुन नहीं रहे थे। यह पूरा दृश्य भीष्म ने देखा कि दुर्योधन घबराया हुआ है, उसकी हिम्मत टूट रही है। तस्य संजनयन हर्षम, दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाने के लिए भीष्म ने शंख बजाया। लेकिन हुआ यूं कि जैसे भीष्म ने शंख बजाया, परंपरा ऐसी है कि सेनापति शंख बजाए तो युद्ध की शुरुआत हो गई, और टूट पड़े कौरव पक्ष में तो बदो कोलाहल ने शंभू मेड़ो भिगो थेलो, मंडित पड़ा बदा भू 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 डन 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 भेरी मृदंग आनक पणव। भीष्म भी चौंके होंगे, कह रहे मैंने इसके, महाभारत पढ़ो तो आपको पता चलेगा भीष्म की तो इच्छा थी ही नहीं युद्ध करने की, विशेष करके पांडवों के सामने युद्ध करना, ये तो भीष्म कभी नहीं चाहते थे। तो भला भीष्म कभी शुरू करेंगे? यदि भीष्म ने युद्ध शुरू किया ऐसा कहोगे तो कदाचित आप भीष्म के चरित्र को थोड़ा सा दाग पहुंचा रहे। हाउ कैन भीष्म इनिशिएट अ वॉर? उनकी तो इच्छा थी नहीं, वो तो केवल दुर्योधन के उत्साह को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए शंखनाद किया। लेकिन बाकी के सब टूट पड़े, और वे लोग टूट पड़े तो पांडव पक्ष कोई थोड़ी कम था। अब जब दोनों पक्ष में शंख बज चुके, शस्त्र संपात की तैयारी हो चुकी, तो अर्जुन धनुरुद्यम्य पांडव, अब मैं तैयार हूं, चलो। एक दूसरी भी यहां पर भाव को समझें। शुरुआत में जो संजय ने बात की दूसरे श्लोक में, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। पांडवों की सेना को व्यूढ़म पैटर्न में लगी हुई देखकर दुर्योधन घबरा गया, और घबराया हुआ दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास भागा, द्रोणाचार्य की कानाफूसी करने लगा, उकसाने लगा। और वही बात यहां अर्जुन ने की, क्या हुआ? अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा, अर्जुन ने सब देखा, धार्तराष्ट्रान व्यवस्थितान दृष्ट्वा, धृतराष्ट्र के पक्ष के सब लोग बराबर लगे हुए हैं सेना में, ये देखा अर्जुन ने क्या किया? धनुरुद्यम्य, अर्जुन डरा नहीं है, दुर्योधन की तरह इधर उधर भागता नहीं है, इसने तो धनुष उठाया है, तैयार हो लड़ने के लिए। और संवाद भी शुरू किया किसके साथ? श्री कृष्ण के साथ। 21वां श्लोक। ऋषिकेशम तदा वाक्यम, इदमाह महीपते, अर्जुन उवाच, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत, धार्तराष्ट्रान व्यवस्थितान दृष्ट्वा, कौरवों को व्यवस्थित लगे हुए देखकर धनुष्य उठाते हुए ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते, संजय वर्णन करता है महीपते, ये महीपते संबोधन धृतराष्ट्र के लिए है, सूचन करना चाहता है
संजय अपने अंतिम शब्दों में, क्योंकि उसके बाद अर्जुन उवाच आ रहा है, तो अपनी वाणी पूरी करने से पहले संजय मानो धृतराष्ट्र से कह रहा है, मही पते हो तुम, मही पृथ्वी, पते राजा, अभी भी तुम पृथ्वी के राजा हो, धृतराष्ट्र तुम्हारे पास अधिकार है, यदि तुम चाहते हो तो ये युद्ध को अभी भी रुकवा सकते हो, और पांडव तुम्हारा आदर करेंगे बुजुर्ग के रूप में, परिवार के वडील के रूप में, अभी भी तुम महीपति हो, निर्णय लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि एक बार ये अर्जुन ने धनुष उठाया, युद्ध की शुरुआत हुई, फिर बात तुम्हारे हाथ में रहने वाली नहीं है धृतराष्ट्र, तुम हारोगे। और यही बात तो 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में संजय ने स्पष्ट सुना दी, फिर जब धृतराष्ट्र नहीं माना है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर् मम। धृतराष्ट्र से कहना है, जहां पर योगेश्वर कृष्ण है, जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर विजय है। अर्थ क्या हुआ, अर्जुन और कृष्ण कहां है, पांडवों की सेना में, विजय उन्हीं की होने वाली है, धृतराष्ट्र तुम हारोगे। तो यहां अंतिम बार महीपते संबोधन कर लिया है, अभी भी तुम्हारा अधिकार है, रोक लो इन लोगों को। सुनी नहीं बात धृतराष्ट्र। अर्जुन भगवान से कहता है अच्युत, और कृष्णार्जुन संवाद जब पूरा होता है, वहां 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में अपने अंतिम शब्दों में अर्जुन जो भगवान को संबोधन करता है वो भी है अच्युत। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। संपूर्ण गीता जिनके पास होगी देख लें, 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृतिर्लब्धा, अब मुझे याद आ गया है मुझे क्या करना चाहिए। और ये कैसे हुआ, त्वत् प्रसादान् मयाच्युत। ए अच्युत, त्वत् प्रसादान्, आपकी प्रसाद से, आपकी कृपा से हुआ ये। स्थितोऽस्मि, अब मैं स्थिर हो गया हूं, गत संदेह, मेरे सारे संदेह नष्ट हो चुके हैं, और अब आई हैव रिजॉल्व्ड, करिष्ये वचनं तव, आप जो कहोगे वही मैं करूंगा। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि भगवत गीता में अर्जुन जब बोलने की शुरुआत करता है तब भगवान को अच्युत कह के पुकारता है, और जब अपनी वाणी को विराम देता है और कार्यान्वित होता है तब भी भगवान को अच्युत संबोधन करके पुकारता है। अच्युत, श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने विष्णु सहस्र नाम का भाष्य करते हुए अच्युत शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या की है। भगवान ना हजार नाम में थी एक छया, अच्युत प्रथित प्राण प्राण दो वासवानुज अपाम निधिर्धिष्ठा, विष्णु सहस्र नाम। अच्युत शब्द की व्याख्या है, न च्यवति नापि चविष्यति इति अच्युत। जो चलित हुआ नहीं है अब तक और जिसके चलित होने की संभावना भी नहीं, ये संसारी लोगों के लिए आप नहीं कह सकते। संसारी लोगों के लिए इतना कह सकते हो कि अभी तक चलित नहीं हुआ, कल जाके क्या करे क्या पता, लेकिन भगवान के लिए आप ये गारंटी दे सकते हो, अभी तक चलित हुए नहीं है और भविष्य में जिनके चलित होने की संभावना भी नहीं। न च्यवति नापि च्यविष्यति इति अच्युत। और साहित्य का सौंदर्य देखो, अब महाभारत की कथा तो आप सब जानते हो, आगे क्या होने वाला है आप पता है आपको, अर्जुन चलित होने वाला है,
उसका सूचन यहां से कर दिया। अच्युत प्रभु मुझे संभालना, मैं चलित न हो जाऊं। वस्तुतः ये श्लोक में दोनों संबोधन जो है ना, ऋषिकेश और अच्युत, दोनों के बहुत सुंदर अर्थ हैं, चिंतन करने पर प्राप्त होते हैं। पहला संबोधन है ऋषिकेश, शंखनाद हो चुका है, शस्त्र संपात की प्रवृत्ति शुरू हो रही है और उस समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, प्रभु सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय, मैं रथम स्थापय, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले जाओ। अब जब शस्त्र प्रहार की शुरुआत हो रही है उस समय कहना कि दोनों सेनाओं के बीच में जाकर रथ ले जाओ, इसमें सयानापन है, अमडापन के भाई। जब शंखनाद हो चुके हैं, युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, लोग तुले हुए हैं कि कब मारें, अब प्रहार करें, अब ऐसे समय में कहना कि दोनों सेनाओं के बीच में जाकर मुझे खड़ा करो, अब मरवाना धंधा बिजू कहीं। इसमें कौन सा विजडम था? श्री कृष्ण शायद कहते भी ना, कहा नहीं है लेकिन कहते, अर्जुन ये तो क्या कर रहा है, जब युद्ध शुरू हो रहा हो तो ऐसी पोजीशन लेनी चाहिए कि आप प्रहार कर सको लेकिन किसी का प्रहार आपको ना लगे। यू आर मेकिंग योर सेल्फ सो वल्नरेबल। दोनों सेनाओं के बीच में लेकर रथ के खड़े करने की बात करता है, इसमें कौन सी तेरी बुद्धि क्या है अर्जुन, क्या हुआ तुझे? यदि श्री कृष्ण अर्जुन से ये पूछते, या कोई अपड़ा वाला पिला कौन पूछे, हाँ इवा जो कोई पूछे कि अर्जुन ये क्यों जी कर रहे हो तुम काम, अर्जुन कहेगा मैंने भगवान को क्या नाम से संबोधन किया है, ऋषिकेश। शब्द की व्याख्या हम कर चुके हैं, ऋषिकेश का पहला अर्थ है ऋषिक ईश, इंद्रियों के स्वामी, दोनों सेनाओं के बीच में जाकर के मेरा रथ भले ही मैं खड़ा कर दूं लेकिन इंद्रियों का स्वामी तो मेरा रक्षक बन के खड़ा है, जब तक वो प्रेरणा नहीं करेंगे लोगों के हाथ पैर रूपी इंद्रियां चलेगी ही नहीं, कोई मुझ पर कैसे प्रहार कर सकता है। तो ऋषिकेश प्रभु आप जब प्रेरणा करोगे, क्योंकि इंद्रियों के स्वामी आप हो। और दूसरा अर्थ ऋषिकेश का, ऋषि केश हर्ष उत्पन्न करने वाले जिनके केश हैं वह, प्रभु आप रथ ले जाकर के खड़ा करोगे, मुझे कौन देखने वाला है दो सेनाओं के बीच में, लोग आपको देखेंगे, लोगों की दृष्टि तो आप पर होगी और प्रभु आपके ये सुंदर केश देखकर लोगों के हृदय में इतना हर्ष होगा, उनको ध्यान समाधि लग जाएगी, चित्रवत खड़े रह जाएंगे, किसी की हिम्मत है बाण उठाकर मुझे मारने की? ऋषिकेश संबोधन वही किया वहां पर, नाम लोही दिया ऋषिकेशम तदा वाक्य अच्युत, उसका भी ये भाव है। अब जरा सोचिए इस श्लोक में अर्जुन का थोड़ा अहंकार आ गया है, ये 22वें इसके बाद वाले श्लोक में गर्मी आ गई अने आवी जाए हूं भाई, इतना बड़ा रथ हो, श्री कृष्ण जैसे सारथी हो तो थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी ना, हाँ वो पोजीशन की वजह से पावर आया है और पावर का पहला उपयोग अर्जुन ने कृष्ण पर ही किया, ले जाओ दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ, कहवाया वो भगवान को आज्ञा, कहते तो ये है ना कि प्रभु आपको जो ठीक लगे, अब मुझे आज्ञा करो मैं क्या करूं, उसके बदले में अर्जुन कृष्ण को आज्ञा करता है दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ, पूछा भी नहीं प्रभु ऐसा कर सकते हैं, डू यू एडवाइज मी टू डू सो, ये भी नहीं, ले जाओ, बुरा नहीं लगेगा भगवान को,
वाह अर्जुन, तूने मुझे सारथी नहीं बनाया है, मैंने ये सारथी पद स्वीकारा है। तेरी वजह से मैं तेरा सारथी नहीं बना हूं, मेरी वजह से, मेरा तुझ पर जो प्रेम है उसकी वजह से तेरा सारथी बना हूं। किसको गर्मी दिखा रहा है तू? पूछेंगे ना। पगारदार ड्राइवर हो ना, उसके साथ भी ऐसी बात नहीं करते जो संस्कारी लोग होते, लेकिन जब कोई मित्र, कोई स्वजन ड्राइवर को उतार दे, तू उतर, मैं आऊंगा, इनके लिए तो मैं चलाऊंगा गाड़ी, मैं आता हूं, वो बैठा है और फिर उनसे कहो चलो, वो स्थान पर बैठा है लेकिन उसकी वो पोजीशन उसने तेरे प्रेम के लिए ली है। संभव है कृष्ण को बुरा लगे, प्रभु ने ये पोजीशन ली है भक्त के, तो एक अर्थ तो यह है कि भक्त भगवान से कुछ भी कह सकता है और भक्त वो स्वीकार भी करते हैं, भगवान स्वीकार भी करते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रोटोकॉल के हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए लेकिन अब नियम बदलते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान श्री कृष्ण अपना मान टले टल जाए, लेकिन अर्जुन की यदि ये इच्छा है तो चलो दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले लेता हूं, ये एक अर्थ। लेकिन उससे भी दूसरा मधुर अर्थ है, प्रभु को यदि आक्रोश आ जाए तो उससे पहले ही ये अच्युत संबोधन करके अर्जुन ने अपना रक्षा कवच निर्माण कर लिया, प्रभु आक्रोश करना मत, आप तो अच्युत हैं, आप चलित हो वो संभव नहीं है, आप चलित होने नहीं चाहिए, तो मेरा वर्तन कदाचित गलत हो जाए लेकिन उससे आपके भावना में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, मेरे वर्तन से आप में कोई परिवर्तन न आए, क्योंकि आप तो अच्युत हैं, आप तो जो करुणा बरसाते हो मुझ पर बरसाते ही रहना। तो ये अच्युत संबोधन करके स्तुति के द्वारा क्षमा याचना एडवांस में कर ली, ये भी एक प्रकार है ना, किसी की माफी मांगनी हो लेकिन वो स्पष्ट शब्दों में सॉरी कहते हुए भी संकोच होता हो तो क्या करते हैं उनकी स्तुति है, आप तो बड़े उदार हैं, उसका अर्थ है मुझे छोड़ देना। आवी नानी बात में तमें कहीं खोटू लगाड़ो, तमें तो नोंद लगाड़ो, इतने हूं गमे ते करू, तू रे जे हारो आवे। अच्युत सेनयोर भयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। तात्विक दृष्टि से देखा जाए परमात्मा जीवात्मा को इस संसार में भेजता है, अस्तित्व में आता है, उसके साथ प्रभु ने दो स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। जो कई बार लोग पूछेंगे ना, प्रत्येक के जीवन रथ के सारथी के रूप में तो भगवान है, जो अगला दृष्टांत मैंने दिया, यदि उसका सूत्र को आप चालू रखो कि भगवान जब तक बैठे हैं तब तक के जीवन का रथ चलता है, इसका मतलब सभी में भगवान है और वो तो सर्वमान्य है बात, सभी धर्मों ने स्वीकार किया है। यदि भगवान अंदर बैठा है सारथी के रूप में तो फिर गलत लोग बुरे काम क्यों करते हैं, या बुरे लोग गलत काम क्यों करते हैं? चोर जब चोरी करता है तो उसके अंदर भी भगवान बैठा है, किसी क्रिमिनल ने मर्डर किया तो उस समय भी उसके अंदर भगवान बैठा था, तो भगवान ने उसको रोका क्यों नहीं? यदि भगवान करता है सब कुछ तो भगवान रोक लेना चाहिए था, भगवान ने उसको कहना चाहिए था रुक जा, नहीं रुकता भगवान, क्यों? ये श्लोक में ये भी पता चलता है, जीवात्मा जब संसार में आता है भगवान उसको दो प्रकार की स्वतंत्रता देते हैं, इच्छा स्वातंत्र्य और कर्म स्वातंत्र्य, फ्रीडम ऑफ विल एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन। और यही तो प्रभु की कृपा है, यही तो प्रभु की करुणा है, और इसी की वजह से जीवन को महत्व है, जीवन का आनंद है। यदि ये दो स्वतंत्रता आपको नहीं होती, आप जो चाहे वो सोच नहीं सकते और आप जो चाहे वो कर नहीं सकते, तो फिर आप में और रोबो में फर्क क्या रह गया?
भगवान ने मनुष्य का सर्जन किया है, रोबो का उत्पादन नहीं किया है। गॉड हैज क्रिएटेड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन अ डिफरेंट वे, इन अ यूनिक वे। कोई भी व्यक्ति दूसरे के समान नहीं है, दिखने में भी समान नहीं है। एक ही माता के गर्भ में 9 महीने तक साथ में रहे, जुड़वे, जन्म जब लेते हैं दोनों में अंतर तो होता ही है। हाँ, दूर के लोग देखें लगेगा दोनों भाई समान दिखते हैं या तो दोनों बहनें समान दिखती हैं, मां को पता है दोनों में क्या अंतर है। वो कह देती ये बड़ी ये छोटी, और बड़ी मतलब 10 मिनट बड़ी, फर्क है। ईश्वर ने सभी को यूनिक बनाया है। कितनी सारी ये ईश्वर के इस वैविध्य पर मैं चर्चा करता हूं, मेरी वाणी मेरा हृदय भर आता है। सभी की फिंगरप्रिंट अलग अलग है। बोलो, इतना छोटा सा अंगूठा, 1 स्क्वायर इंच से भी कम जगह है, 0.5 इंच बाय 1 इंच आपकी जो फिंगरप्रिंट ली जाती। मैं आपको 0.5 इंच बाय 1 इंच का पेपर देता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि इस पेपर में आप अलग 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 डिजाइन करो, कितनी कर पाओगे? और पेन से आपको 0.5 इंच बाय 1 इंच की जगह में डिजाइन बनानी है पेन लेकर के, कितनी बनाओगे? 50, 100, 200, 500, 1000। उसके बाद में जो बनेगी वो रिपीट ही होगा। इतनी छोटी उंगली में, और ये तो अंगूठा, इसलिए 0.5 इंच बाय 1 इंच बोलता हूं, आनी बात करो तो 0.25 इंच बाय 0.5 इंच। ये डिजाइन जो आपकी है वैसी दुनिया में न पहले किसी की थी, न अभी दुनिया में है, न आने वाले वर्षों में किसी की होगी। इतना यूनिक आपको बनाया है भगवान ने। और ये तो एक छोटी बात, डीएनए अलग, रेटिना की डिजाइन। अभी जब आप ट्रैवल करते हो परदेश में तो ये फिंगरप्रिंट भी बहुत पुरानी बात हो गई। रेटिना डिजाइन, केवल कैमरा में देखो और वह थप्पा मारेगा पासपोर्ट पे, वो आपके चेहरे से नहीं पहचानता आपको, आपकी रेटिना की डिजाइन से पहचानता है। आंख के भीतर की डिजाइन अलग, कितनी सारी आंखें, करोड़ों अरबों आंखें, इतनी छोटा सा एक आईबॉल 1 सेंटीमीटर के डायमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का गोल, उसकी प्रत्येक की डिजाइन अंदर अलग। क्या वैविध्य है कृष्ण का, क्या वैविध्य है भगवान का। ईश्वर ने मनुष्य का सर्जन किया है, प्रत्येक को यूनिक बनाया है, और यूनिक बनाने के साथ ये 2 शक्तियां दी, फ्रीडम ऑफ विल, फ्रीडम ऑफ एक्शन, इच्छा स्वातंत्र्य, कर्म स्वातंत्र्य। आप जो चाहो वो सोच सकते हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो, कोई रोकेगा नहीं आपको। और साथ में एक तीसरी बात जोड़ दी फिर, बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। जो इच्छा आप करो और जो कर्म करो उसके परिणाम के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि कोई भी स्वतंत्रता आती है उसमें साथ में जिम्मेदारी भी होती है ना। आपने अपनी मर्जी से जो भी कर्म किए उसके परिणाम के लिए तैयार रहो। ये स्वतंत्रता प्रभु यदि न देते तो हमारे जीवन का कोई महत्व ही नहीं था। ऊपर से कोई रस्सी खींच रहा है और हम नाच रहे हैं, ऐसा हो जाता, कठपुतली जैसे हो जाते हम। हम मनुष्य बन के घूम रहे हैं, उसका एक ही प्रभु की कृपा है। अर्जुन के रथ में सारथी के रूप में बैठे हुए परमात्मा श्री कृष्ण इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूं अवश्य, लेकिन कहां जाना है, ये देह रथ को लेकर के क्या करना है,
यह स्वतंत्रता तुम्हारी है, तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा। ईश्वर, ईश्वर अपना अधिकार इंपोज नहीं करता है, हाँ मार्गदर्शन दे सकता है। यदि अर्जुन पूछता प्रभु से क्या करें तो प्रभु मार्गदर्शन देते। अंतरात्मा सूचन करती है अवश्य, कोई गलत काम करने जाओ तो बता देगी एक बार ये गलत काम है मत करो। अंतरात्मा की आवाज को सुना तो भाग्यशाली हैं आप, नहीं सुना ठीक हाथ पकड़ने नहीं आएगा। इसलिए अर्जुन जब गलत काम करने निकला, युद्ध को छोड़कर जाने की बात जब अर्जुन कर रहा है, तब प्रभु ने अंतरात्मा के रूप में अर्जुन को रोका। यह गीता का उपदेश, सच पूछो तो अंतरात्मा की आवाज है। अपने भीतर बैठा हुआ परमात्मा जो हमें प्रेरित कर रहा है वो दिव्य प्रेरणा, यही भगवत गीता है। आज सुबह कोई वर्तमान पत्र के पत्रकार मेरे इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आप प्रदेशों में इतना प्रवास करते हो तो भगवत गीता प्रदेश में लोग कैसे सुनते हैं देखते हैं। मैंने कहा भारतीय संस्कृति का और भारतीय तत्वज्ञान का जो सबसे लोकप्रिय ग्रंथ विदेशियों में है वो भगवत गीता है। जिनको भी भारतीय संस्कृति में और भारतीय तत्वज्ञान में रस है वो भगवत गीता को ही पहले सुनते हैं। इतने सारे अनुवाद हुए हैं भगवत गीता के अभी तो। लोकप्रिय है, कारण यह है स्वतंत्रता दी हुई है। और 18 अध्याय का उपदेश देने के बाद यह अंतरात्मा क्या, प्रत्येक मनुष्य के भीतर बैठे हुए परमात्मा का संदेश है। भगवत गीता का जो मैसेज है वो यूनिवर्सल मैसेज है, वो केवल महाभारत के युद्ध में अर्जुन को तैयार करने का संदेश नहीं है, केवल हिंदू लोगों के भगवत गीता के 700 श्लोकों में कहीं हिंदू शब्द नहीं है। वैश्विक बात है, प्रत्येक मनुष्य के भीतर बैठा हुआ परमात्मा उसे जो प्रेरणा कर सकता है यह प्रेरणा भगवत गीता में बताई गई। और अगेन फ्रीडम, भगवत गीता जब पूरी होती है तो श्री कृष्ण कह देते अर्जुन से, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। 66वां 68वां श्लोक है 18 अध्याय का। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्या 63वां। अर्जुन मैंने जो गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम ते आख्यातम, अत्यंत रहस्यमय अत्यंत मूल्यवान जो ज्ञान था वो मैंने तुझे कहा है, अब एतद अशेषेण विमृश्य तू इस पर संपूर्ण रूप से चिंतन कर विचार कर और यथेच्छसि तथा कुरु, तुझे जो ठीक लगे वो कर। ये स्वतंत्रता, इतना बड़ा तत्वज्ञान मैंने तुझे सुना दिया चल लड़, ऐसा कुछ नहीं कह रहे। तू चिंतन कर तू विचार कर और तुझे जो ठीक लगे वो कर, यथा इच्छसि तथा करो। ये स्वतंत्रता। तो क्या आश्चर्य है कि अर्जुन जब प्रभु को आज्ञा करे कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले जाइए, भगवान श्री कृष्ण बड़ी नम्रता से दोनों सेनाओं के बीच में लाकर रथ को खड़ा कर, और क्यों देखना चाहता है अर्जुन, क्यों जाना चाहता है? 22वां श्लोक। यावदेतान निरीक्षे हम योद्धु कामानवस्थितान योद्धु कामानवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में तू रथ को कब तक खड़ा करवाएगा?
यावद एतान निरीक्षेहम, यावद जब तक, एतान निरीक्षेहम, एतान किनको, युद्ध कामान अवस्थितान, लड़ने की इच्छा से जो आए हैं यहां पर, इनको जब तक मैं देख लूं, प्रभु दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले जाइए। एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, अर्जुन को पता है कि ये जो भी आए हैं वो सब युद्ध कामान हैं, लड़ने के लिए ही आए हुए हैं ये सब लोग, कोई भी संधि कामान नहीं है, कोई भी शांति कामान नहीं है, सब युद्ध कामान है। युद्ध के पहले बहुत प्रयत्न कर चुके हैं हम, कृष्ण से अर्जुन कहता है कि प्रभु हम कर चुके हैं, किसी ने बात नहीं मानी प्रभु आपकी। युद्ध के आरंभ में भी महाभारत में वर्णन है, युद्ध के आरंभ में जब सेनाएं सज रही थी उस समय अपने धनुष बाण शस्त्र छोड़कर युधिष्ठिर गए थे, भीष्म पितामह को दंडवत प्रणाम किए और पूछा था युधिष्ठिर ने, पितामह ये हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, बताइए। और उस वक्त भीष्म ने कहा था नहीं कर रहे हो, भीष्म के मन से मुख से आशीर्वाद निकल गए, यूं तो मन में मैं चाहता था कि विजय तुम्हारी हो, लेकिन युधिष्ठिर इतनी नम्रता से आकर के तुम दंडवत प्रणाम करते हो, युद्ध से पहले आशीर्वाद मांगते हो, तो अब मैं स्पष्ट रूप से उच्चार करके कहता हूं विजयी भव, विजय तुम्हारे। ये मति दुर्योधन को नहीं सूझी कि जाकर कृष्ण को प्रणाम करे, बड़ा भाई है युधिष्ठिर प्रणाम करें, नहीं सूझी, युधिष्ठिर को सूझी। यदि उस समय उनकी संधि की इच्छा होती तो उस समय भी कह देते ना रुक जाओ, अर्जुन जाकर के द्रोणाचार्य को प्रणाम करता है, गुरुदेव क्षमा करें मुझे, आप ही ने मुझे बाण विद्या सिखाई है और आप ही के ऊपर बाण प्रहार करने का समय आ गया है। द्रोणाचार्य ने कहा चिंता मत करो, कर्तव्य निभाओ, विजयी बनो, ये आशीर्वाद प्राप्त हुए। इसलिए अर्जुन कहता है कि युद्ध कामान है, एक बात तो स्पष्ट है सब लड़ने के लिए ही इकट्ठे हुए हैं। लेकिन तीसरे चरण में जो बात कही है ना उसमें वो अर्जुन का अहंकार थोड़ा सर उठा रहा है। 21वें श्लोक में उसने भगवान को आज्ञा दी, वहां भी ईगो था, अब ईगो थोड़ा और बाहर आ रहा है। कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे, इस रण संग्राम में मया सह अर्जुन को शोभा नहीं देता, दुर्योधन की शोभा शायद उसमें, शोभा तो नहीं है, विकृति है, लेकिन दुर्योधन के मुख में ये शब्द हो सकते हैं, अर्जुन के मुख में ये शब्द कैर्मया सह योद्धव्यम, उसके अन्वयिक से दो अर्थ होते हैं, कई ही मया सह योद्धव्यम और मया कई ही सह योद्धव्यम, कौन है जो मेरे साथ लड़ने आया है, ये अर्जुन का अहंकार। जीवन भर में विजयी रहा हूं, पूरे आर्यावर्त में मेरी प्रशंसा है कि मैं जब रणभूमि में उतरता हूं, गांडीव धनुष धारण करता हूं, किसी की हिम्मत नहीं मेरे सामने खड़ा रह सके। तो अभी भी आए हैं कुछ लोग, मया सह योद्धव्य कई ही, कौन है सवा शेर सूंठ कौनी माता एक आदिश, देख लूं जरा मेरे साथ लड़ने के लिए आए हुए लोगों को,
ये कई ही माया मया सह योद्धव्यम, और दूसरा मया कई ही सह योद्धव्यम। लड़ने का मजा तो समान लोगों के बीच में आता है, अपने जैसे हो या अपने से थोड़े प्रभावी अधिक हो उन्हीं के साथ लड़ने का मजा। ये क्षत्रिय थे, शूरवीर थे, अपने से जो नीचे वाले उनके साथ लड़ने में क्या मजा है। हमारे कचरा लाल पता नहीं कैसे आर्मी में, कचरा लाल तो आवाज जो है भाई आपने प्रवचन में, तो ये फुगट लाल आर्मी में रिक्रूट हो गए। 10 साल नौकरी की, उसमें एक युद्ध में जाना पड़ा उनको, बाकी तो कृपा थी कि कहीं फ्रंट में जाना ही नहीं पड़ा, एक बार युद्ध में जाना पड़ा और उसके बाद रिटायर हो गए। जीवन भर जो भी मिले ये फोगटलाल सबसे कहते रहे, एक बार फ्रंट में गया था एक दिन के लिए, और जो युद्ध किया है 35 लोगों के हाथ पैर काट डाले। सब तो प्रशंसा करते थे, हो अच्छा फोगटलाल एक दिन के अंदर अपने फ्रंट पे गया था 35 लोगों के हाथ पैर काट डाले। कोई बुद्धिमान मिल गया, उसने पूछा फोगटलाल हाथ पैर क्यों काट डाले। फोगटलाल ने कहा सर तो कोई और काट गया था। तो एनो हरखा है भाई, आटलो बदो तू राजी है नो थाई। तो युद्ध का मजा क्षत्रिय को, वीर को, के जो अपने बरोबरी का हो अपने से आगे उससे। अर्जुन यहां कहता है मया कई ही सह युद्ध, है कोई यहां सामने खड़ा हुआ जिसके साथ लड़ने में मुझे अपनी शोभा दिखाई पड़े। कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे, ये रण संग्राम में मैं देख लूं। अर्जुन इस बात को यहां पर भूल गया है, दुर्योधन ऐसा बोल सकता है मदर थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए प्राण की परवाह न करते हुए इतने सारे लोग आए हैं। अर्जुन ये युद्ध तेरे और दुर्योधन के बीच में नहीं है, ये दो युद्ध धार्मिक और अधार्मिक विचारधारा के बीच में। तेरा यह प्रश्न अयोग्य है अर्जुन, लेकिन जो गलत दिशा में उसके विचार जा रहे हैं इसकी ये नींव पहली शिला है। जहां अहंकार आएगा वहां विचार की गलत दिशा शुरू हो जाएगी।